Silva. I'm a street musician from Brazil, and that's my full-time job. Thank you. I really hope you guys are enjoying this time of your sharing here. And if you want to support my... वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ये प्रोग्राम का जो दूसरा हमारा हिस्सा है, इसमें एक बड़े अहम मामले और मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। ये सिलसिला हमने पिछले कई माह से शुरू कर रखा है, जिसमें आपकी नफसियात से जुड़े जो मसाइल हैं इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। बहुत सारे ऐसी नफसियाती बीमारियाँ हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, और उन बीमारियों की वजह से क्या कुछ हो रहा है ये समझना ज़रूरी है। और क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा आगही नहीं है, इसलिए बहुत सारे नफसियाती मसाइल को या बीमारियों को एक अलग नाम, या इसको मुख्तलिफ आप समझ लीजिए कि मायने इसके निकाल लिए जाते हैं। और फिर एक और बड़ा मसला पाकिस्तान जैसे मुल्क में या तीसरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर ये है कि नफसियात से जुड़ा अगर कोई मसला किसी शख्स के साथ दरपेश है तो उसको पागलपन का नाम दिया जाता है। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये गलतफहमी दूर की जाए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये जितनी भी मसाइल हैं या बीमारियां हैं, जैसे किसी भी इंसान को जिस्मानी बीमारी लाहक हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह नफसियाती बीमारी भी लाहक हो सकती है, और उम्र के किसी भी हिस्से में, और इसका इलाज भी मुमकिन है। तो ये समझ लेना सबसे पहले ज़रूरी है। इसी हवाले से काम कर रहे हैं, बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, होते हैं अमूमन स्टूडियोज़ में। हम इस वक्त क्योंकि अब मेहमान मुल्क से बाहर हैं तो बज़रिया स्काइप हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर शफीक यासीन, जो कि एक माहिर साइकियाट्रिस्ट हैं, और शफीक यासीन हॉस्पिटल के नाम से एक इदारा है वो चला भी रहे हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ जो जहनी बीमारियाँ हैं, अमराज हैं, उसका ना सिर्फ इलाज हो रहा है बल्कि नशे में जो आदि लोग हैं, मुब्तला लोग हैं, उनका भी बहुत अच्छे से इलाज कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर शफीक यासीन को खुश आमदीद कहूँगा, जो इस वक्त स्काइप के ज़रिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, आज जो मैं टॉपिक निकाल के लाया हूँ, थोड़ा सा आपके लिए सरप्राइजिंग इसलिए होगा कि अभी तक इसके बारे में हमारी बात नहीं हुई है, एंड दैट इज़ ASAD, विच इज़ अडल्ट सेपरेशन एन्जाइटी डिसऑर्डर। तो मैं चाहूँगा ज़रा इस मौजू के ऊपर थोड़ी सी आज बात हो। वैसे हमने OCD के हवाले से बात की और दीगर बीमारियों के हवाले से बात हुई है, ज़रा इसके बारे में मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बात हो जाए। बच्चों के अंदर जैसे हमने मुख्तलिफ अमराज की बात की है, लेकिन ये जो सेपरेशन के हवाले से और इस तरह की वजह से बच्चे बहुत सारे ट्रामास का शिकार हैं, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो। जी डॉक्टर साहब, प्लीज़। जी, बिल्कुल, इस प्रॉब्लम के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे पहले कुछ चीजें और समझना। जी जी, कि बच्चों में जो है, जब वो छोटे होते हैं बहुत, और जब उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, जब माँ और बाप मिलके उनको पाल रहे होते हैं, तो डिपेंड करता है कि उनकी परवरिश कैसी हो रही है। माँ टाइम दे रही है, बाप उनको कितना टाइम दे रहा है, और सिर्फ टाइम नहीं, क्वालिटी टाइम कितना दे रहा है। अच्छा, इससे एक तो सिक्योर अटैचमेंट होती है माँ और बाप, खासतौर माँ से। और कुछ बच्चों में ये होता है कि माँ बाप टाइम ना दे सके और नेगलेक्ट हो, तो इनसिक्योर अटैचमेंट होती है जी। होता ये है कि जब इसी से उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है और थोड़े से बड़े होते हैं, और जब माँ या बाप उनसे सेपरेट हो, तो जाहिर है फिर एंजाइटी बढ़ती है, और वो नहीं बर्दाश्त कर पाते कि माँ और बाप इतने दूर कैसे हो गए या कितनी देर के लिए दूर हो गए। एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी फिर बड़ी कॉमन हो जाती है। तो कुछ तो कंफर्टेबल होते हैं, जाहिर हर बच्चा, कोई भी बच्चा कंफर्टेबल तो नहीं होता, लेकिन किस तरह से वो फील कर रहे होते हैं सेपरेशन एंजाइटी से, वो मुख्तलिफ है बेस टू बेस, बच्चे टू बच्चा फर्क पड़ता है। तो ये उनकी अर्लियर डेवलपमेंट पे रिफ्लेक्ट करता है कि वो कैसी हुई है, माँ ने कितना उनको प्यार दिया है, कितना ट्रस्ट दिया है,
और जितना ज्यादा प्यार और ट्रस्ट उनको मिलता है उतनी उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है। उनको डील करने के लिए बाद में कोई भी इन्वायरमेंट, नया इन्वायरमेंट, किसी स्ट्रेंजर से मिलना या किसी नए इंसान से मिलना या किसी टीचर से मिलना, टीचर का चेंज होना, स्कूल का इन्वायरमेंट चेंज होना, दोस्तों का चेंज होना मुश्किल जरूर होता है, जी लेकिन उनको उनको डील कर पाते हैं। तो मेनली जो है ना, ये आई थिंक माँ को क्रेडिट जाता है और फिर बाप को, कि वो किस तरह से बच्चों को टाइम दे सकते हैं और किस तरह से उनको प्यार मोहब्बत से ट्रस्ट के साथ, उनको ये भरोसा होता है कि माँ बाप हमेशा उनके लिए हैं, मौजूद हैं जब कोई मसला होता है, और एक कंसिस्टेंटली एक तरीके से बिहेव करते हैं। ये नहीं कि उनके फ्लक्चुएशन आती हैं या चेंजेस आती हैं उनके ब्रॉटअप में, बिल्कुल ठीक तो फिर बीमारी का मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसी से जुड़े और जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस अब बहुत सारे जो हैं वो मौसूल होना शुरू हो गए हैं, और ख़ास तौर पे जैसे भी आपने बच्चों के हवाले से बताया, ये कुछ बच्चे हमें कुछ ज़्यादा हाइपर एग्रेसिव नज़र आते हैं, और हाइपर एग्रेसिव होना बच्चों में तो बड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन ये जब अचानक से बच्चों के अंदर एग्रेशन हमें नज़र आ रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं पेरेंट्स को, तो वो ये जानना चाहते हैं कि इसको कैसे क्योर किया जा सकता है। आए वाकई कोई ऐसा मसला है जिसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर चाहूँगा ज़रा बात कीजिए। देखिए, बच्चों में एग्रेशन जो है ना, बहुत बहुत सी वजूहात की वजह से हो सकता है, बहुत सी वजूहात। उसमें से एक कॉमन इशू ये है कि बच्चा जब फ्रस्ट्रेट होना शुरू होता है ना, जब उसको पता है कि वो चीजें उसको नहीं मिल रही जो उसे मिलनी चाहिए, जो उसका हक है, तो फिर उसके अंदर पहले फ्रस्ट्रेशन आएगी, और जब फ्रस्ट्रेशन वो ज्यादा निकलेगी बाहर की तरफ, तो वो एग्रेशन में तब्दील हो जाती है, और उसके बाद एक पॉइंट आता है जब वो सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस में चेंज हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। जिसमें वो करता है। तो शुरू में तो वो प्रोटेस्ट करता है। हम हर इंसान, कभी भी कोई मसला होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या माशी हो, और अगर आप देखें इंसानों में, तो प्रोटेस्ट पहले आता है, जी लेकिन पॉइंट जब इंसान भी सोचता है कि यार प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं है, तो वह सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस में चले आता है, कि बिल्कुल ठीक उसको है। मायूस। बच्चे भी मुख्तलिफ नहीं है, तो यहाँ पर कई दफा एग्रेशन जो है ना, वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो बता रहा होता है माँ बाप को कि मैं खुश नहीं हूँ। अच्छा, बताने का अंदाज जरूर गलत होगा, क्योंकि उसको और शायद तरीका नहीं समझ में आ रहा बताने का, लेकिन माँ बाप को ये समझने की जरूरत है कि वो कोई वजह है वैसे प्रोटेस्ट कर रहा है या एग्रेसिव हो रहा है। उससे प्यार में बैठ के बात करना, उसे समझने की कोशिश करना क्या वजह है। जरूरी नहीं कि मसला घर के एनवायरनमेंट से हो, कभी कभी तो ये माँ बाप दोनों ही काम में बिजी हैं, बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या घर में कुछ और इश्यूज हैं जो बच्चे पे अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी मसला स्कूल में होता है, और स्कूल में बुलिंग हो रही हो, या कोई और बच्चा उसको तंग कर रहा है, या टीचर से नाखुश है, या हो सकता है चेंज ऑफ एनवायरनमेंट स्कूल में हुआ हो जिसकी वजह से वो खुश ना हो। उनका चेंज होना एक बड़ा कॉमन चीज है, कि वो बच्चा एक्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं करता हर चेंज को, जैसे इंसान बड़े बड़े कर सकते हैं। तो कोई भी चेंज जो कि बच्चे के लिए परेशान कुन होगा, वो फिर एग्रेसिव हो सकता है। बिल्कुल एंजाइटी भी सजेस्ट करती है, कई दफा जब बच्चों में एंजाइटी आती है तो फिर बच्चे हाइपर हो जाते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बगैर वजह के भी एग्रेसिव होते हैं, होता ही कि वो क्यू एग्रेसिव तो नहीं, वो हाइपर एक्टिव हो सकते हैं। जी जी क्यूरियस होते हैं, आजकल बच्चों को इजीली टैबलेट्स और मोबाइल फोन्स दे दिए जाते हैं, और वो उनको सीखने का बहुत मिल रहा है, बच्चों को नई इंफॉर्मेशन दिमाग में आ रही है, और वो चाहते हैं कि वो दुनिया को एक्सप्लोर करें, वो अपने घर को एक्सप्लोर करें। उनकी दुनिया तो घर ही होती है, माँ बाप होते हैं, चीज खिलौने होते हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो इसको हम टच करके देखते हैं, इसको हम फेंक के देखते हैं, इस चीज को हम देखते हैं इसमें साउंड कैसी आती है, गिरने के बाद क्या चेंजेस आएंगे, टूटेगी चीज तो क्या होता है। तो कई बच्चे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, सीखते हैं, क्यूरियस होते हैं। उनको प्यार मोहब्बत से समझाने की जरूरत होती है कि बेटा ऐसे नहीं, और बिल्कुल कभी कभी उसको एनवायरनमेंट को ही चेंज करना चाहिए। अगर बच्चे बर्तन फेंक रहे हैं, चीजें तोड़ रहे हैं, तो चले प्लास्टिक की चीजें ले लें, ताकि फेंके भी तो नुकसान ज्यादा ना हो। लेकिन उन बच्चों का टेम्परमेंट वैसे खुश होगा, और वो
इतने ज्यादा मायूसी की तरफ नहीं होंगे, एग्रेशन की तरफ नहीं होंगे, बस क्यूरियस होंगे और हाइपर एक्टिव होंगे, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, ये सीखने की कोशिश करेंगे, वो बात करने की कोशिश करेंगे, या शायद कम्युनिकेट इतना ज्यादा ना कर सके वर्बली या मुंह से, इतना लैंग्वेज स्किल्स उनके इतने अच्छे ना हो, लेकिन वो बाकी चीजों से शो करते हैं कि वो सीखना चाह रहे हैं, कुछ लर्न करना चाह रहे हैं। फिर ये कि बड़े बच्चों में एग्रेशन आता है ना, तो फिर वो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर आते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर आते हैं। उसका मतलब ये है कि वो एंटी सोशल पर्सनैलिटीज की तरफ जा सकते हैं, वैसे बच्चे जो गलत फैसले कर सकते हैं, जो अल्लाह ना करे क्राइम की तरफ या चोरी की तरफ या गलत कामों की तरफ या नशे की तरफ जा सकते हैं, तो वो उनको दिखाना जरूरी है साइकियाट्रिस्ट को। और फिर ऐसे कुछ बच्चे हैं जो डिप्रेशन एंजाइटी से बढ़ के स्किजोफ्रेनिया की तरफ जा सकते हैं, जिनके अर्ली साइंस डिप्रेशन आता है। अब स्किजोफ्रेनिया जो है ना बच्चों में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन जहां पर टीन एज शुरू हो रही है वहां पर अब काफी कॉमन होता जा रहा है, खास में मेल्स में। वैसे तो मेल और फीमेल में प्रपोर्शन स्किजोफ्रेनिया का बराबर है, जितने मेल्स को स्किजोफ्रेनिया होता है उतने ही फीमेल्स को होता है, बस ऑनसेप्ट में फर्क होता है ये कि लड़कों में स्किजोफ्रेनिया 15 साल की उम्र से शुरू हो सकता है, 14-15 साल की उम्र से, और 30 उम्र तक जाता है, और कभी कभी 8 से 12 साल के बच्चे में भी स्किजोफ्रेनिया के सिम्टम्स मिल जाते हैं। ईमेल्स में जो है वो थोड़ा सा डिलेड ऑनसेट है, वो 20 से लेके 32 साल की उम्र तक होता है, और ज्यादातर केसेस में उनकी जो एवरेज एज है वो तकरीबन 28 से 32 है, कंपेयर टू एवरेज एज जो मेल की है वो 22 से 25 साल है। तो ये 5 साल का जो डिफरेंस है मेल और फीमेल में और एवरेज का, उसकी वजह है एस्ट्रोजन हार्मोन, क्योंकि हार्मोन जो फीमेल में है वो प्रोटेक्टिव होता है इसकी दुनिया के बीमारी के खिलाफ लड़ने के हवाले से। ये है कि क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फीमेल्स में एस्ट्रोजन थोड़ा थोड़ा करके कम होना लगता है, तो फिर वहां पर रिस्क ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया लेट में बढ़ता है, लेट बढ़ता है लेकिन डिलेड ऑनसेट होता है, लेकिन होता बराबर है। और ये इसका कहने का कि तकरीबन 110 120 आप जनरल पॉपुलेशन में लोग देख लें तो उनमें से एक को स्किज़ोफ्रेनिया होगा, 0.8% जो है उसकी वो है स्टैटिस्टिकली चांस स्किज़ोफ्रेनिया होने का। थोड़ा सा स्किज़ोफ्रेनिया तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं कि है क्या ये। बिल्कुल खैर ये ऐसी बीमारी है जो कि जिसने नफ्सियात को पूरी तरह से काबू किया हुआ है, एक तरह से देखा जाए जी हमारे माश एक लेबल जो पागलपन का लगा है वो स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से लगा है। और जैसे मैं बता रहा हूँ ये 0.8% पॉपुलेशन में है, तो ये 120 110 में से एक ही को होता है, लेकिन इसके कंपेयर में हम बाकी बीमारियों को देखें तो वो 100 में से 5 और 100 में से 7 100 में से 3, मतलब इस हिसाब से देखें तो स्किजोफ्रेनिया की परसेंटेज बहुत कम है। जी अगर मैं टोटल पेशेंट्स और पेशेंट में देखता हूँ तो शायद 100 में से बहुत कम ऐसे होंगे, शायद 8 या 12 जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होंगे। ज्यादातर पेशेंट्स एंजाइटी के होते हैं, डिप्रेशन के होते हैं और दूसरी छोटी मोटी बीमारियों के होते हैं। तो एक जो गलत इम्प्रेशन है हमारे सोसाइटी में कि हर पेशेंट जो तो नफ्सियाती डॉक्टर के पास आ रहा है वो पागलपन का पेशेंट है, जी ये ही गलत तासुर है। अच्छा ये है तो बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी नहीं है। जी इसमें इंसान की सोचे जो हैं और उसके देखने का नजरिया, उसके सोचने का नजरिया, उसकी फैसले करने के की ताकत ये बदल जाती है। बिल्कुल इससे मोटी मोटी ये है कि डिल्यूजन्स एक तो बड़ी कॉमन है। डिल्यूजन्स क्या है? डिल्यूजन्स जो है ना हमारी सोचने समझने के तरीका। अब इन पेशेंट्स में ये होता है कि वो ये सोचने लगते हैं कि शायद हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हम जो आसपास जिनके साथ काम कर रहे हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये हमें नुकसान कर सकते हैं। वो ये सोच सकते हैं कि ये कुछ लोग हम या कोई चीज हमें हमारे जिस्म को कंट्रोल कर सकती है, जो चीज हम कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, जी कोई जी हमसे कर रहा है। कभी कभी वो सोचते हैं कि कुछ सोचें हमारी अपनी नहीं है, हमारे दिमाग में डाली जा रही है।
या ये सोचते हैं कि हमारे दिमाग से सोचें निकाल के कहीं और जा रही हैं, निकल के और लोग पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, जिसे थॉट ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे थॉट ब्रॉडकास्टिंग है, थॉट इंसर्जन है, थॉट विड्रॉल्स है, परसिक्यूटेड डिल्यूजन्स हैं, जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो सोचते हैं कि लोग हमारे दुश्मन हैं, ग्रैंडियोज सोचना कि मैं बहुत, मेरे अंदर एक एबिलिटी है, मेरे अंदर ताकत है, मैं चीजें चेंज कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, बहुत बड़ा कामयाब साइंसदान हूँ या सिंगर हूँ। तो अपने आप को एक ऐसी एबिलिटी या आइडेंटिटी से अटैच कर लेते हैं कि वो बहुत ही बड़ी बातें करने लगते हैं। तो ये इसमें से होता है। फिर हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशंस क्या होते हैं कि लोगों को कानों में आवाजें आती जी हैं, या सोचते हैं कि कोई उनके बारे में बात कर रहा है, जो कोई फीमेल या मेल की आवाज कानों के बाहर से या दिमाग के बाहर से उनको सुनाई दे रही है। अब वो बातें डायरेक्टली उनसे भी बात कर सकती है या किसी और से बात करती होती है उनके बारे में, उनके जी कानों में। अब ये वजह, फर्क क्या है कि एक थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन होती है, एक सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन होती है। सेकंड पर्सन वो होती है जो आवाज उनसे डायरेक्टली बात कर रही होती है। वो ये भी कह सकती है आवाज उनको कि भाई तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा दो, तुम्हें जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, तुम खुदकुशी कर लो। और ये बड़ी खतरनाक होती है, जिसे हम कमांड हेलुसिनेशन कहते हैं। फिर जी जी उस पेशेंट जो है उनको ये आवाजें सुनाई देती हैं, और कई दफा वो उस पर अमल भी कर सकता है। और इसी तरह आवाजें ये भी कह सकते हैं कि आप इसको मार दें, ये आपका दुश्मन है, और इसको नुकसान पहुंचाए। तो बिल्कुल उसमें आइडल आइडियाज आ सकते हैं, किसी को मारने के बारे में ख्याल, जो कि सुसाइडल आवाजें थॉट्स उनको। भी आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल फिर जो दूसरी चीजें हैं ना, वो फिर नेगेटिव सिम्टम्स हैं। नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं जो कि इंसान को दिलचस्पी ना लेना कामों में, उसके इमोशंस का फ्लैट हो जाना, बिल्कुल ना वो खुशी का इजहार कर सकता है, ना दुख का इजहार कर सकता है, उसका बिहेवियर जो है ना बिल्कुल विड्रॉ हो जाएगा, कि वो अकेला रहना पसंद करेगा और लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहेगा। उसके बिल्कुल बिहेवियर में, कि दिलचस्पी में, कामों में, इंटरेस्ट में, सब में फर्क आएगा, और उसके इमोशंस बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। ऐसे चेहरा सब हो जाता है, जैसे ब्लंट इफेक्ट कहते हैं जी जिसे हम, जी तो वो उसमें एक्सप्रेशन लेस फेस हो जाता है, वो बिल्कुल ठीक मूवमेंट्स चेंज होती हैं, जिसे कैटाटोनिया वगैरह कहते हैं। इसमें मैं ज्यादा कंफ्यूजन में लिया हुआ, लेकिन वो अजीबोगरीब मूवमेंट्स उनमें नजर आती हैं। और इसके अलावा जो है, उनकी कैलकुलेशन करने का तरीका, उनका डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज जिंदगी में, वो सारा कुछ जो है ना, वो नॉर्मल नहीं रहता। कि वैसे तो नॉर्मल जिंदगी गुजार नहीं पा रहे होते, रिलेशनशिप के हवाले से, काम के हवाले से, अपने कैरियर या एजुकेशन के हवाले से, उनको बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं उनमें। तो इसमें और स्टेजेस भी तीन होती हैं फिर, क्योंकि इनकी प्रोड्रोम स्टेज होती है। एक तो प्रोड्रोम स्टेज वो होती है जो असल एक्यूट फेज, जो असल बीमारी से पहली की स्टेज होती है, वो एक वार्निंग स्टेज होती है। और बिल्कुल अगर इस जांच कर लिया जाए तो सबसे बेस्ट होता है, इसलिए कि एक तो जल्दी पेशेंट ठीक हो सकता है, और बाहर के मुल्क हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या आयरलैंड हो, यूके हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, अब ये बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है इन मुल्कों में, कि लोगों को सिखाया जा रहा है, एजुकेट किया जा रहा है, कि आप प्रोड्रोम स्टेज को समझें, और जी इस स्टेज के अंदर अंदर आप अपने बच्चे को या भाई बहन को लेके आते हैं, बेटे को इलाज के लिए, तो प्रोग्नोसिस या इलाज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जी पेशेंट बिल्कुल भी ठीक हो जाता है, और चांसेस उसके बाद में बिगड़ने के भी कम हो जाते हैं। असल मसला हमारे मुल्क में ये है यासिर, जी के जी हम बहुत देर कर देते हाँ हैं, और एग्जैक्टली समय, और फिर गलत रास्तों में चले जाते हैं इलाज के हवाले से। जी बिल्कुल और ऐसा ही फिर आपने सही कहा। जितना ज्यादा जाया होता है, उतना ही मुश्किल हो जाता है पेशेंट को ठीक होना। तो प्रोड्रोम स्टेज क्या है? प्रोड्रोम स्टेज में ये होता है कि इंसान जो है, जो पेशेंट है, उसको नींद अच्छी नहीं आ रही, चिड़चिड़ा हो रहा है, उसको भूख से लग रही है, वो किसी से बात नहीं करना चाह रहा, कमरे में बंद हो रहा है, दोस्तों को इग्नोर कर रहा है, अचानक से उसके बिहेवियर में एक चेंज आ रहा है, और चिड़चिड़ा हो रहा है, गुस्सा कर रहा है थोड़ा, लेकिन उसके अंदर वो एक्यूट सारे सिम्टम्स नहीं अभी नजर आ रहे, जो कानों में आवाजें आना है, खुद खुद बातें करना, या
लोगों को दुश्मन समझना, वो अभी चिड़चिड़ा सा हो रहा है, उसको खुद समझ नहीं आ रही, कभी बेचैन हो रहा है, कभी मायूस हो रहा है, कभी अकेला अकेला हो रहा है, और खा पी सही नहीं रहा, नींद अच्छी नहीं आ रही। ये वो सिम्टम्स हैं जो प्रोड्रोमल स्टेजेस में होते हैं, और वो एक खतरे की घंटी बजाना शुरू कर देते हैं कि भाई अब कुछ बिल्कुल गड़बड़ हो रही है। ठीक अब इस जरूरत है किसी के अटेंशन की, पहले तो फैमिली के अटेंशन की, वो बैठे हैं बात करें समझे, ये ना सोचे कि बाहर आ कर रहा है या ये तो ऐसे ही बन रहा है, उसको सीरियस लें बिल्कुल ठीक है। और कोशिश करें कि किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा दें, इसलिए कि ये इसकी नॉर्मल पर्सनालिटी से डिफरेंट है और उसकी फंक्शनिंग पे डेफिनेटली इफेक्ट आएगा, मतलब वो क्या काम वो सही से नहीं कर पा रहा होगा, जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो ये प्रोड्रोम है। फिर एक्यूट फेज आता है जो कि फुल फ्लॉरिड स्टेज है, जिसमें वो सारे सिम्टम्स पूरी तरह से नजर आ रहे होते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके होते हैं। बिल्कुल ठीक। अब तीसरा स्टेज आता है रिकवरी स्टेज का, जब वो रिकवरी की तरफ आता है, और नॉर्मली रिकवरी फेज फर्क सिर्फ यही है कि जब वो रिकवर करता है पेशेंट तो उसमें थोड़ी इंसाइट आनी शुरू होती है, वो समझता है कि हाँ मैं तो ठीक नहीं था इधर से, मैं जो सोचता समझता था या देखता था वो रियलिटी बेस नहीं था, वो असल नहीं था, बिल्कुल वो मेरी ठीक है। बीमारी। और जब उसको ये समझ आने लगता है तो वो थोड़ा डिप्रेशन में जाने लगता है। और तो रक्षा, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, आपको यहाँ पर मुझे थोड़ी देर के लिए रोकना होगा, एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है, और ब्रेक के बाद फिर और जब वापस आऊँगा तो ये सवाल आपके सामने रखूँगा। और बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही थी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, और ख़ास तौर पे अभी बच्चों के अंदर अभी जैसे बहुत सारे सवाल मौसूल हुए कि जो नफसियाती मसाइल हैं वो कैसे ठीक हो सकते हैं, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। इस सिलसिले को जारी रखते हैं, ब्रेक लेना होगा, ब्रेक से वापस आएंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, जनाब डॉक्टर शफीक यासीन साहब हमारे साथ स्काइप के ज़रिए मौजूद थे, और उनसे हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, जो नफसियाती मसाइल हैं ख़ास तौर पर, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। और दोबारा से डॉक्टर शफीक यासीन हमें ज्वाइन करेंगे, मैं उनके सामने चंद और सवाल हैं जो रखूँगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब जैसे भी आपने बात की बच्चों के अंदर मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स हैं जिसकी अभी आपने निशानदेही की, और ये भी बताया कि उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अच्छा, कुछ केसेस में हम देखते हैं कि पर्सनालिटी जो है वो डिसऑर्डर्स आते हैं या स्प्लिट हो जाती है, इसको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरीके से वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं, और ये भी ट्रीटेबल है, बट हमारे यहाँ क्योंकि अवेयरनेस इतनी नहीं है और एजुकेशन ना होने की वजह से इसको मुख्तलिफ, जैसा भी आपने कुछ देर पहले कहा कि लोग इसको नाम देते हैं, और मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर और मज़ीद बात हो जाए कि ये क्यों हो सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस पास्ट में वो करते आए हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है, और इसको कैसे क्योर किया जा सकता है, क्या ये ट्रीटेबल है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर बात कर लें जी। नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने, और आई थिंक बड़ा रेलेवेंट है खासकर हमारे कल्चर और सोसाइटी के हवाले से, क्योंकि एसोसिएशन, वैसे हम स्किज़ोफ्रेनिया में बात कर रहे थे, डिसोसिएशन कभी कभी स्किज़ोफ्रेनिया के साथ कंफ्यूज की जाती है। और डिसोसिएशन क्या है? डिसोसिएशन ये है कि हम अपने स्टेट ऑफ माइंड, बच्चा जो है वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में है, नॉर्मल बिहेव करते करते अचानक से किसी और स्टेट में चले जाए, मतलब वो किसी और आवाज़ में बात करने लगे, किसी और तरीके से बात करने लगे, वो नहीं रहा कि वो यही बच्चा है जो पहले था, उसकी पर्सनालिटी अचानक से चेंज हो जाती है, वो किसी और नाम से बात कर रहा है, किसी और आवाज़ से बात कर रहा है। इसके अंदर ये होता है कि जब ये ज़्यादा स्प्लिट होती हैं और डिसोसिएशन बढ़ जाती है तो लोग इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते जी हैं। जी होता है कि बच्चों में जब ट्रॉमा होता है, और ट्रॉमा तीन तरह के देखे गए हैं बच्चों में जो कि बड़े कॉमन हैं। एक इमोशनल अब्यूज, जो राइट कि उनको डांटना, पनिश करना, गुस्सा करना बगैर जरूरत के वजह के, खामखा उनको सजाएं देना या बुरा भला कहना, एक ये इमोशनल अब्यूज है। फिजिकल, बगैर वजह के या वजह के साथ भी बच्चों मारना या बुरी तरह से मारना,
कई हाथों से या किसी और चीज से, ये फिजिकल अब्यूज में आता है कि बच्चों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा मारना नहीं चाहिए कभी। और फिर सेक्सुअल अब्यूज, जी कि ये होता है सोसाइटी में कि बच्चों को, लड़के लड़कियों को, कम उम्र के बच्चों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, अंडर डॉक्यूमेंटेड है, अंडर रिपोर्टेड है। तो इन केसेस में बच्चों को ट्रॉमा मिलता है, उनके दिमाग को बहुत ज्यादा सदमा, दुख, और उनका ट्रस्ट टूट जाता है उस इंसान से जिसकी तरफ से ये ट्रॉमा मिल रहा है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। बिल्कुल ठीक। कुछ कूट होता है कि चले एक दो दफा हुआ और उसके बाद नहीं, और कई क्रॉनिक स्टेजेस में होते हैं कि जहाँ पर कई अरसों से हो रहा होता है, वो छुपा रहे होते हैं, बता नहीं रहे होते और बर्दाश्त कर रहे होते हैं। होता है ये कि ये पर्सनालिटी को तोड़ देता है, उनकी डैमेज करता है, लफ्जों में वो एक और पर्सनालिटी उनके अंदर बनने लगती है। पर्सनालिटी ए तो उनकी अपनी पर्सनालिटी होती है, फिर पर्सनालिटी बी या सी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। होता है कि जब वो बहुत ज्यादा कोई भी ऐसा चीज, बाद में जब ये चीज गुजर जाती है और वो इस बीमारी में, बीमारी उनको हो जाती है, तो कोई भी ऐसा ट्रिगर जो उनको वो चीज याद दिलाए, जो चीज उनके साथ हुई थी या उसके उसकी उसके उसके उसकी याद आती है, या फिर कोई चीज रिमाइंडर उसका आता है, तो वो फौरन दूसरी पर्सनालिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल जिसे हम डिसोसिएट कहते हैं, वो डिसोसिएट करते हैं। अब फिर वो कम्प्लीटली डिफरेंट आवाज़ें बात करेंगे, अजीबोगरीब बातें करेंगे। यहाँ के माशरे में ये देखा गया है कि लोग कहते हैं इसको, इस पे छिन आ गया है, इस पे जादू हो गया है, इसको किसी जगह ले जाओ जहाँ पर इसको जिन उतारो, या फिर तो वो अनफॉर्चुनेटली बड़ा गलत है, इसलिए कि बच्चों को और ज़्यादा इस बीमारी को मज़ीद ख़राब कर देता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये बीमारी भी बढ़ती है। देखना ये है कि बच्चे के साथ क्या ऐसा ट्रॉमा था, या परेशानी थी, या मसला था, वो लेके साइकोथेरेपी प्रोवाइड करना और से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से डिसोसिएशन बेहतर होता है। तो इसका डेफिनेटली इलाज है। जी और ये बच्चे इतने नाजुक होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, इतने बेचारे छोटे होते हैं, जिनके लिए सब चीज़ें बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, जी तो ये देर तक नहीं छोड़नी चाहिए, जल्दी इसका ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी होता है। बहुत बहुत ज़रूरी है माँ बाप को समझने के लिए कि बच्चों को के साथ एक तो अच्छी तरह से बर्ताव करें, प्यार मोहब्बत से उनको पालें और बचा के, और दूसरा ये कि ज़रूरी है कि माँ बाप ये नज़र ज़रूर रखें कि आसपास के लोग जिनसे वो मिल रहे हैं, जहाँ वो जा रहे हैं, जहाँ वो टाइम गुजार रहे हैं एक्स्ट्रा, वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं जो बच्चों के साथ किसी तरह की ज्यादती कर रहा हो। बिल्कुल ठीक है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, और यही मेरे ख्याल में एक प्रॉब्लम है जो हम नहीं इस वक्त उसको समझ पा रहे, कि हमें बच्चों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे ये जो 4, 5, 6 साल की उम्र होती है या 10 साल की उम्र तक जो है, वो बहुत ज़्यादा उसको क्लोजली तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है। और फिर आजकल एक और प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, अब क्योंकि नया ज़माना है, नए मसाइल अब जन्म ले रहे हैं, जो सोशल मीडिया टेंडेंसीज़ हैं इसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो बिल्कुल ई गेमिंग है और मोबाइल गेमिंग है, इसकी वजह से अब कुछ केसेस हैं जो सामने आ रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं मैं चाहूँगा ज़रा आपके सामने रखूँ, कि जो ई गेमिंग की वजह से, और ये इतने एडिक्टिव हैं कि शायद पहले इतने ज़्यादा एडिक्टिव ना हो, तो ये बच्चे जो हैं उसकी तरफ ज़्यादा अब वो होने की वजह से बहुत ज़्यादा फिज़िकली उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनके बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं। अब ये एडिक्शन को कैसे ओवरकम किया जाए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक खातून है उन्होंने भेजा, मैं चाहूँगा ज़रा इसको एड्रेस करें कि इससे कैसे काबू पा सकते हैं। जी अच्छा सवाल है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे शुरू से एडिक्टेड तो नहीं होते ना, और होता यह है कि जब माँ बाप को लगता है कि बच्चों को हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और उनके हाथ में मोबाइल होता है, और मोबाइल जब पकड़ के वो अपना कार्टून या कोई ऐसी चीज़ देख रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा खुश हो जाते हैं कि चलो अब यार हमें हमें जान छोटी, बिल्कुल बच्चा ठीक। जो है ना गया कहीं, ऑक्यूपाई हो गया कहीं, और यहीं से प्रॉब्लम, खतरे की घंटियां शुरू हो जाती हैं। ये होता है कि शुरू में तो मोबाइल पे वो कार्टून देखेगा, ये वो चीजें देखेगा जो माँ बाप उसको दिखाना चाह रहे हैं या उसको बिठाना चाह रहे हैं,
लेकिन जब माँ बाप इधर उधर जाएंगे, जाहिर है अपने काम में बिजी हो जाएंगे, तो वो एक वीडियो से दूसरी वीडियो या कहीं और मूव करना बच्चों के लिए आसान नहीं होता। फिर आस्ते आस्ते वो और एक्सप्लोर करने लगते हैं, विच इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल प्रोसेस। मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा, बच्चों को वो जितना ज्यादा देखते जाते हैं, वो ऐसे कंटेंट देखना शुरू कर देते हैं चाहे चाहे जो उनके लिए एज अप्रोप्रिएट ना हो, या थोड़े से एग्रेसिव हो, या कुछ और चीजें सिखा रहे हो जो बच्चों को नहीं सीखनी चाहिए। एक तो ये, दूसरा ये कि वक्त के साथ साथ उन्होंने एक खला भर दी। पहले तो वो बोलते थे माँ बाप को, मुझे टाइम दो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ बैठो, मुझे सिखाओ वो सिखाओ। अब उन्होंने फिर सपोज सोशल मीडिया को ही टाइम देना शुरू कर दिया, तो उनकी भी आदत लगे कि चलो अब हम यही हमारे इंटरेस्ट है, इसमें हमने ये टॉपिक्स निकाल लिए हैं, कोई स्पाइडरमैन, कोई कोई इसी तरह की मूवी, कोई क्या, एनीवे वो अपने अपनी लाइकिंग्स के हिसाब से अपने उसको कवर कर लेते हैं गैप को। अब जब उनका गैप भर गया है जो टाइम का, अब उनको जरूरत नहीं है माँ बाप की, तो फिर उसमें इतने ज्यादा मशगूल हो गए कि वो एडिक्ट हो गए कि अब हमें बेसिकली यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बात ये है ना कि सोशल ये जो स्क्रीन टाइम है ना, ये लिमिट तक अच्छा है। एक तो ये, दूसरा ये, शुरू से ही अगर माँ बाप इसको एक आधे घंटे पर डे के हिसाब से चले, या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 आवर पर डे के हिसाब से, और बाकी चीजों में बच्चों को इन्वॉल्व करें, तो फिर ये प्रॉब्लम हो ही ना। लेकिन अगर एडिक्शन हो ही चुका है, जो आई थिंक आपका मेन सवाल है कि इस एडिक्शन जी से कैसे हटें, तो इट्स अ ग्रेजुअल विड्रॉल। तो अब ये कि स्क्रीन टाइम बढ़ के 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए दिन में, और हम चाह रहे हैं कि 1 घंटे पर है, तो यू नीड टू रिप्लेस, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज एक्टिविटीज रिप्लेस करनी है, या तो खुद तक बैठना है, बातें करनी है, या कोशिश करनी है कि उनको कोई ऐसी चीज जो इसमें वो दिलचस्पी लें, आउटडोर एक्टिविटीज की तरफ जाएं, थोड़े से गार्डनिंग करें उनके साथ बैठ के, थोड़े से किसी भी जानवर का बच्चा, चाहे वो मुर्गी का हो, या उस तरह की जो जी एक्टिविटीज होती है ना कि जानवरों के साथ इंटरेक्शन हो, बिल्कुल या बाहर के कोई आउटडोर गेम्स हो जो माँ बाप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो उनको लगता है कि माँ बाप भी हमें टाइम दे रहे हैं, हमें मजा भी आ रहा है, फ्रेश एयर में भी हैं, थोड़ी सी सूरज की रोशनी मिल रही है, बाहर भी निकल रहे हैं घर से। तो वो जब करना शुरू करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये देखेंगे कि इंटरेस्ट उनका स्क्रीन टाइम से तो कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल कई माँ बाप तो ये भी करते हैं कि मैंने देखा है और स्कूलों में भी सिखाया जाता है कि रिसाइकल चीजों के साथ मिलकर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी बना लेते हैं, आर्ट कर रहे हैं या ड्राइंग कर रहे हैं या कोई चीज बना रहे हैं, बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है इसमें। तो आई थिंक उनको टाइम देना बेसिकली इज द सॉल्यूशन, वो उसके अलावा कोई चारा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम बच्चों को जो है वो टाइम दें, और यही शायद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पास लास्ट मिनट रह गया है, मैं चाहूँगा अगर कुछ कहना चाहें तो, जैसे बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है तो मैं ये चाहूँगा कि लास्टली अगर आप बताना चाहें, अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपसे रابطہ करना चाहें इस वक्त, तो आप क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन जब आप आएंगे तो यकीनन उन पेशेंट्स को ज़रूर टाइम देंगे, अगर कुछ कहना चाहें तो ज़रूर इसमें ऐड कीजिए। जी नहीं, बच्चों के हवाले में देखें, एक और एक आध चीज़ और भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आप कितने दफ़ा फिर उनके टीचर से मिलते हैं, और जब टीचर से मिलते हैं तो क्या बात करते हैं, क्योंकि टीचर्स के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जिस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं अपने दोस्तों से, अपने कोलीग से स्कूल में, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो बच्चों को प्यार से ध्यान देना और ये देखना कि वो क्या क्या कर रहे हैं। अब तो छोटी उम्र में नशा ड्रग्स बड़ा कॉमन हो गया है, तो मेरा ये भी बहुत बड़ा मैसेज है और रिपीटेडली ये बात कही गई है बहुत से प्रोग्राम में, कि इस पे जरूर रखें नजर कि बच्चे जो हैं, खासतौर पे जो थोड़े बड़े हो रहे हैं, वो गलत तरफ तो नहीं जा रहे हैं, गलत सोहबत की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, अच्छी चीजें सीखें, छोटी उम्र से थोड़ा कुरान को समझें। सिर्फ कुरान पढ़ाना काफी नहीं है, समझ के पढ़ना जरूरी है, जी। और अच्छा एनवायरमेंट, अच्छी सोहबत, और माँ बाप की टेंशन बहुत सी बीमारियों से, नफ्ती बीमारियों से इंसान को बचा सकता है। और अगर लगता है कि प्रॉब्लम है तो प्लीज उनको जल्दी दिखाएं, बिल्कुल टाइम ठीक है, वेस्ट। ना किया जाए। वेल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि आप इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने जो है अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की।
होपफुली जब आप वापस आएंगे तो इंशाल्लाह और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू आपसे करेंगे। जनाब ये डॉक्टर शफीक यासीन थे जो हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और नफसियाती मसाइल के हवाले से हमने कोशिश की कि बात करें। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही है, बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पर इतने सारे क्वेश्चन मौसूल हो रहे हैं कि मैं वो सारे जो है वो देख रहा था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें दिए जा चुके हैं जो जितनी भी गुफ्तगू अब से कुछ देर पहले हुई है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर आने वाले प्रोग्राम में ज़रूर बात करें। तो यहाँ पर आप प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो जाता है, आपसे इजाज़त हमें लेनी होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को अब इजाज़त दीजिए अल्लाह के पास।